हाय गाइस, मैं हिरोद भारद्वाज। मेरे यूट्यूब चैनल हिरोद भारद्वाज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ओके फ्रेंड्स, हमने रायपुर संभाग पढ़ना स्टार्ट किया था और रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर, बलौदा बाजार और महासमुंद जिला पढ़ लिया था। चलिए फ्रेंड्स, आज चलते हैं गरियाबंद जिला। तो सबसे पहले जाने कि गरियाबंद जिला की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड्स, जो गरियाबंद जिला है उसकी स्थापना 2012 में हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो गरियाबंद जिले की स्थापना कब हुई, तो गरियाबंद जिले की स्थापना 2012 में हुई है। फ्रेंड्स, 2012 में जब इसकी स्थापना हुई उससे पहले ये किस जिले का हिस्सा हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, जो गरियाबंद जिला है वो 2012 से पहले रायपुर जिला का हिस्सा था। ओके फ्रेंड्स, फिर रायपुर जिला को जब 2012 में अलग करके गरियाबंद जिला बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, इसलिए जो गरियाबंद जिला है उसका मातृ जिला हो जाता है हमारा रायपुर जिला। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं जो गरियाबंद जिला है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के और कौन कौन से जिले को स्पर्श करती है। तो फ्रेंड्स, अगर ऊपर की ओर देखें तो ये है महासमुंद। ओके फ्रेंड्स, ये महासमुंद, ये रायपुर और ये है धमतरी। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार जो गरियाबंद जिला है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के तीन जिले को स्पर्श करती है, जिसमें है महासमुंद, रायपुर और धमतरी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा गरियाबंद जिला है वो हमारे भारत देश के कौन से राज्य को टच करती है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका गरियाबंद जिला और जो इस साइड पड़ता है वो हमारा राज्य है उड़ीसा। ओके, इस प्रकार जो गरियाबंद जिला है हमारा वो उड़ीसा राज्य को स्पर्श करती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं गरियाबंद जिला की सैर करने। ओके फ्रेंड्स, और देखते हैं कि गरियाबंद जिले में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो जब मैंने आपको रायपुर जिला पढ़ाया था तो रायपुर जिला के अंतर्गत एक सड़क बताया था, नेशनल हाईवे 130C। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है रायपुर। ओके फ्रेंड्स, तो रायपुर के जो अभनपुर था वहां से, अभनपुर से ये जो सड़क है वो 130C आती है। ओके फ्रेंड्स, तो जो नेशनल हाईवे 130C है वो रायपुर के अभनपुर से होते हुए महानदी क्रॉस करते हैं। सबसे पहले महानदी क्रॉस करता है, फिर उसके बाद गरियाबंद जिले में पहुंचकर ये राजिम को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो रायपुर से महानदी क्रॉस करके ये गरियाबंद जिले के राजिम में जाता है। ओके फ्रेंड्स, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, तो राजिम को कहा जाता है। और यहाँ जो है महानदी, पैरी और सोंढूर तीनों नदियों का संगम है। कहाँ? राजिम में। ओके फ्रेंड्स, महानदी, पैरी और सोंढूर तीनों नदियों का संगम कहाँ है, तो हमारा राजिम में है। ओके फ्रेंड्स, और राजिम में और क्या इम्पोर्टेंट है, तो राजिम में राजीव लोचन मंदिर है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आगे बढ़े इसमें तो यहाँ पे है आपका गरियाबंद। ओके फ्रेंड्स, तो ये पड़ता है आपका गरियाबंद और जो गरियाबंद है वो हमारा गरियाबंद जिला का जिला मुख्यालय है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसमें आगे बढ़े तो ये पड़ रहा है आपका बिंद्रा नवागढ़। ओके फ्रेंड्स, बिंद्रा नवागढ़, तो बिंद्रा नवागढ़ एक तहसील है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आगे बढ़े इसमें तो यहाँ पे है आपका मैनपुर। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, मैनपुर। और मैनपुर में सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि यहाँ हीरा पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या पाया जाता है मैनपुर में, हीरा। फ्रेंड्स, आप सबको तो प्राउड ही होगा कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है जहां हमारे यहाँ हीरा पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो मैनपुर है वहां हमारा हीरा पाया जाता है। तो जो मैनपुर के क्षेत्र में बेहराडी, कोसमुड़ा, कोदोमाली, पायलीखंड और जांगर, ये पांच क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमारा हीरा पाया जाता है। ये सब मैनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, इन पांचों का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, बेहराडी, कोसमुड़ा, कोदोमाली, पायलीखंड और जांगर। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मैनपुर से आगे चले तो ये जो तीन जगह देख रहे हैं यहाँ गार्नेट पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये है गोहरा पदर, ये इमली पदर और ये है बेहरा पदर। ओके फ्रेंड्स, गोहरा पदर, इमली पदर और बेहरा पदर, ये तीनों जगह ऐसा है जहाँ हमारा गार्नेट पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर इसमें आगे बढ़े 130C में तो यहाँ पे पड़ता है, ये है आपका देवभोग। ओके फ्रेंड्स, ये देवभोग, और देवभोग जो तहसील है उसके अंतर्गत दो जगह है, सेंदुमुड़ा और लाटापारा।
ओके फ्रेंड्स, क्या है सेंधुमुड़ा और लाटापारा, और इन दोनों जगह में इम्पोर्टेंट क्या है? तो यहाँ एलेक्जेंड्राइट पाया जाता है। तो देवभोग तहसील के अंतर्गत सेंधुमुड़ा और लाटापारा दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एलेक्जेंड्राइट पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद देखें तो राजिम से एक और रास्ता जाता है, उसमें देखें तो राजिम से जाएं तो यहाँ पे पड़ता है आपका बेलटुकरी, ये है आपका बेलटुकरी। ओके फ्रेंड्स, और बेलटुकरी जो है गरियाबंद का इंडस्ट्रियल एरिया है। ओके फ्रेंड्स, बेलटुकरी क्या है तो इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे पड़ रहा है, ये है आपका फिंगेश्वर। ओके फ्रेंड, फिंगेश्वर में इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा यहाँ छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ हुआ करता था पहले, तो उसमें से एक गढ़ है फिंगेश्वर। ओके फ्रेंड्स, जो रायपुर शाखा के अंतर्गत आता था। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ फणीकेश्वर मंदिर है। ओके फ्रेंड्स, ये महादेव मंदिर है। ओके फ्रेंड्स, तो जो फणीकेश्वर मंदिर है वो फिंगेश्वर में है और ये महादेव का मंदिर है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो ये है घटा रानी, और घटा रानी में इम्पोर्टेंट क्या है तो यहाँ घटा रानी वाटरफॉल है। ओके फ्रेंड्स, तो घटा रानी में क्या है, घटा रानी वाटरफॉल है। फिर आगे देखें तो ये है छुरा। ओके फ्रेंड्स, जो कि एक तहसील है, यहाँ पैरी ये वाला नदी है, पैरी ये जो ऐसे बह रहा है वो पैरी नदी है, और ये है वो सोंढूर नदी है। ओके फ्रेंड्स, तो पैरी नदी का उद्गम जो है भातृगढ़ पहाड़ी से हुआ है, ये वाला जो है भातृगढ़ की पहाड़ी है। ओके फ्रेंड्स, तो पैरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो भातृगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम हुआ है। फिर इसमें आगे देखें तो जो पैरी नदी है उसमें एक सीकासार परियोजना है। ओके फ्रेंड्स, ये जो है वो सीकासार परियोजना है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद ये जो है आगे जाके राजिम में के पास जो है महानदी में मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, पैरी नदी जो है आगे जाके राजिम के पास मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो नदी है ये है सोंढूर नदी, और इसका उद्गम होता है नरियर पानी। ओके फ्रेंड्स, नरियर पानी गरियाबंद से इसका उद्गम है, और इसमें इस नदी में सोंढूर परियोजना, ये वाला जो परियोजना देख रहे हैं आप, इसका नाम है सोंढूर परियोजना। तो सोंढूर नदी में सोंढूर परियोजना है। ओके फ्रेंड्स, और ये है आपका उद्यंती अभ्यारण। ओके फ्रेंड्स, ये वाला जो आप देख रहे हैं वो है आपका उद्यंती अभ्यारण। ओके फ्रेंड्स, और उद्यंती अभ्यारण में एक नदी है उद्यंती। ओके फ्रेंड्स, उद्यंती नदी है जिसमें गोदना जलप्रपात है, तो ये वाला जो है गोदना जलप्रपात है वो उद्यंती नदी में है। फ्रेंड्स, यहाँ पे उद्यंती अभ्यारण जो गरियाबंद में है वो उद्यंती अभ्यारण है, और ये जो देख रहे हैं वो आपका सीता नदी अभ्यारण है। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, सीता नदी अभ्यारण है जो धमतरी जिला में है। ओके फ्रेंड्स, जब इसके बाद मैं आपको जब धमतरी जिला पढ़ाऊंगा तो इसको पढ़ाऊंगा सीता नदी को। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो उद्यंती है और वो जो सीता नदी है वो दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। जो गरियाबंद जिला में पड़ता है उसको उद्यंती अभ्यारण बोलते हैं, और जो धमतरी में पड़ता है उसको सीता नदी अभ्यारण बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं गरियाबंद जिले से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले देखें तो राजिम। ओके फ्रेंड्स, तो राजिम जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, राजिम को हमारा छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ महानदी, पैरी, सोंढूर इन तीनों नदियों का संगम है। तो तीनों नदियों का संगम कहाँ है, राजिम में, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम को। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ राजीव लोचन मंदिर है, हमारा जो राजिम है वहाँ राजीव लोचन मंदिर है। फ्रेंड्स, ये जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये इमेज में, तो ये है आपका राजीव लोचन मंदिर। ओके फ्रेंड्स, जो कि राजिम में है। फिर इसका निर्माण जो है नलवंशी शासक विलास तुंग ने करवाया था। इस जो राजीव लोचन मंदिर देख रहे हैं इमेज में, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो विलास तुंग नामक शासक थे, जो नलवंशी शासक था उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। ओके फ्रेंड्स, अब कब करवाया था, तो 700 से 740 ईस्वी के मध्य में इसका निर्माण करवाया था राजीव लोचन मंदिर का। ओके फ्रेंड्स, और ये जो राजीव लोचन मंदिर देख रहे हैं आप, वो एक विष्णु भगवान का मंदिर है। ओके फ्रेंड्स, तो राजीव लोचन मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ देखें राजिम में, तो यहाँ कुलेश्वर महादेव मंदिर है। ओके फ्रेंड्स, कुलेश्वर महादेव मंदिर है, जैसा कि ये आप इमेज में देख रहे हैं, ये वाला जो है ये आपका कुलेश्वर महादेव मंदिर है। ओके फ्रेंड्स, ये कुलेश्वर महादेव मंदिर है, और कुलेश्वर महादेव मंदिर का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये है कि ये जो है महानदी, पैरी और सोंढूर तीनों नदियों के संगम में है। ओके फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप कि ये जो है, ये जो
मंदिर है वो नदियों से घिरा हुआ है। देख सकते हैं इमेज में कि चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है और उसके बीच में आपका मंदिर है। ओके फ्रेंड, तो जो कुलेश्वर मंदिर है वो महानदी पैरी और सोंधू नदियों के बीच में बना हुआ है। ओके फ्रेंड, तो उन तीनों का संगम में हमारा बना है कुलेश्वर महादेव मंदिर। ओके फ्रेंड, जो कि राजिम में है। फिर देखें आगे, तो यहाँ महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। कहाँ? राजिम में हमारा महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पुन्नी मेला लगता है। ओके फ्रेंड्स, हमारे राजिम में पुन्नी मेला लगता है जिसे पहले कुंभ मेला के नाम से जाना जाता था। ओके फ्रेंड्स, तो इसे पहले कुंभ मेला बोलते थे, पहले हमारे राजिम में कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है, जिसको अभी अभी कांग्रेस जब सरकार आई तो हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल ने इन्हें कुंभ मेला का नाम बदलकर पुन्नी मेला रखा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं आगे, तो छीताबाड़ी। फ्रेंड्स, जो छीताबाड़ी है वो राजिम से कुछ दूरी पे स्थित छीताबाड़ी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो छीताबाड़ी है वो एक पुरातात्विक टीला है। ओके फ्रेंड्स, पुरातात्विक टीला है छीताबाड़ी। जब यहाँ का खनन किया गया तो हमें संघ की चूड़ियां निर्माण करने वाली कर्मशाला, पुजारी आवास गृह, आयुर्वेद शाला, कुम्हार का आवा और परकोटे युक्त मंदिर प्राप्त हुआ है। जब हमारे पुरातत्वविदों ने यहाँ जाके खोज किया और उत्खनन किया, तब हमें यहाँ संघ की चूड़ियां निर्माण करने वाली कर्मशाला, पुजारी आवास गृह, आयुर्वेद शाला, कुम्हार का आवा तथा परकोटे युक्त मंदिर प्राप्त हुआ सीताबाड़ी से। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आगे देखें तो खनिज। खनिज में हमारा मैनपुर। तो मैनपुर में मैंने बताया कि हीरा का माइंस है। हमारे छत्तीसगढ़ में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो मैनपुर क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, और वहाँ स्पेशल क्षेत्र में नाम देखें तो ये है बहराडी, कोसमुड़ा, कोदोमाली, पायलीखंड और जांगड़। इन पांचों जगहों में हीरा पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार इस क्वेश्चन में दिया गया है, व्यापम हो चाहे पीएससी हो, कई बार क्वेश्चन उठाता है खनिज से और इसमें पूछता है कि हीरा क्षेत्र है ऐसे करके। ओके फ्रेंड, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। तो हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है? बहराडी, कोसमुड़ा, कोदोमाली, पायलीखंड और जांगड़ में हीरा पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे देखें तो देवभोग। तो इस तहसील के अंतर्गत हमारा सेदूमुड़ा और लाटापारा दो क्षेत्र हैं। देवभोग तहसील के अंतर्गत सेदूमुड़ा और लाटापारा, इन दोनों जगह में एलेक्जेंड्राइट पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो सेदूमुड़ा और लाटापारा में क्या मिलता है? तो एलेक्जेंड्राइट पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर देखें आगे तो गार्नेट। गार्नेट भी एक खनिज है। ओके फ्रेंड्स, गार्नेट तो गुहेरा पदर, इमली पदर और बेहरा पदर, इन तीनों क्षेत्रों में हमारा गार्नेट पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे देखें तो ये है ऋषि झरन। ऋषि झरन, तो ऋषि झरन क्या है? एक धार्मिक और प्राकृतिक महत्व का स्थल है। जो हमारा ऋषि झरन है वो धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व का स्थल है। यहाँ झरना और प्राकृतिक स्थल है। ओके फ्रेंड्स, तो ऋषि झरन में झरना और प्राकृतिक स्थल है। फिर उसके बाद आगे देखें तो बेलटुकरी। और बेलटुकरी में क्या है? तो यह एक औद्योगिक क्षेत्र है। हमारा जो बेलटुकरी है वो गरियाबंद जिले का बेलटुकरी औद्योगिक क्षेत्र है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे देखें तो फिंगेश्वर। ये है आपका फिंगेश्वर। फिंगेश्वर में इम्पोर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ था। हमारा जो फिंगेश्वर है वो छत्तीसगढ़ था, हमारे छत्तीसगढ़ में उसमें से एक गढ़ है फिंगेश्वर। और फड़ीकेश्वर महादेव मंदिर है। कहाँ है फड़ीकेश्वर महादेव मंदिर? तो फिंगेश्वर में है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे देखें तो घटारानी। घटारानी में इम्पोर्टेंट क्या है? तो यहाँ घटारानी जलप्रपात है। ओके फ्रेंड्स, घटारानी में घटारानी जलप्रपात है जो कि गरियाबंद जिले में है। इसके बाद आगे देखें तो नदियाँ। तो नदियों में है पैरी नदी, ओके फ्रेंड्स, और सोंढूर नदी। दो इम्पोर्टेंट नदी है गरियाबंद जिले में, पैरी नदी और सोंढूर नदी। तो सबसे पहले देखें पैरी नदी। तो पैरी नदी का उद्गम जो है भातृगढ़ पहाड़ी, जो कि गरियाबंद में है। ओके फ्रेंड्स, भातृगढ़ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है पैरी नदी का। और इसका विसर्जन कहाँ होता है? तो ये महानदी में जाके मिलती है राजिम के पास। फ्रेंड्स, तो पैरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो भातृगढ़ पहाड़ी से होता है जो गरियाबंद में है, और इसका विसर्जन महानदी में होता है राजिम के पास। गाइस, इसमें एक इम्पोर्टेंट है जो है, इसमें सीकासार परियोजना है।
इस नदी में पैरी नदी में सीकासार परियोजना है जिसका निर्माण 1995 में की गई है। ओके फ्रेंड्स, सीकासार परियोजना की का निर्माण कब किया गया? और इम्पोर्टेंट ये है कि 2006 से यहाँ विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो 2006 से हमारा जो सीकासार परियोजना है वहाँ विद्युत उत्पादन किया जा रहा है 7 मेगावाट का। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद अगला देखें तो सोंढूर नदी। तो सोंढूर नदी का उद्गम जो है नरियर पानी गरियाबंद से हुआ है और ये इसका जो विसर्जन है वो पैरी नदी में होता है। ओके फ्रेंड्स, पैरी नदी में इसका विसर्जन होता है और इसीलिए पैरी नदी का सहायक नदी बोलते हैं सोंढूर नदी को। और इस नदी में हमारा सोंढूर परियोजना है। ओके फ्रेंड्स, सोंढूर परियोजना किस नदी में है? तो हमारा सोंढूर नदी में है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे देखें तो उद्यंती अभ्यारण्य। ओके फ्रेंड्स, तो उद्यंती अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में की गई है। ओके फ्रेंड्स, उद्यंती अभ्यारण्य की स्थापना कब? अभ्यारण्य के बीच में एक उद्यंती नदी बहती है जिसमें गोधना जलप्रपात है। ओके फ्रेंड्स, तो उद्यंती अभ्यारण्य में उद्यंती नाम का ही नदी बहती है एक जिसमें गोधना जलप्रपात है। और इसमें आगे देखें इम्पोर्टेंट है कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा और मोर पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसा पाया जाता है। गाइज, ये आप चित्र में देख सकते हैं, तो ये है आपका वन भैंसा। ओके फ्रेंड्स, ये जो है हमारा उद्यंती अभ्यारण में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये उद्यंती अभ्यारण का है और ये है आपका वन भैंसा जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ? उद्यंती अभ्यारण। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आगे देखें तो उद्यंती और जो सीता नदी है, जो सीता नदी है वो धमतरी जिले में है। ओके फ्रेंड्स, तो दोनों को मिला के 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो उद्यंती और सीता नदी अभ्यारण दोनों को मिला के हमारा प्रोजेक्ट टाइगर में 2006 में शामिल किया गया और दोनों को ही मिला के हमारा 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। ओके फ्रेंड्स, तो 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व बनाया गया उद्यंती और सीता नदी दोनों को मिला के। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस प्रकार ये हमारा गरियाबंद जिला होता है कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जान सके और उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और वीडियो कैसी लगी हो उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय गाइस।